नमस्कार, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 36 पर्सनल राइटिंग अ स्पेशल पर्सन, राइट। सो इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू विथ अवर टॉपिक स्पेशल पर्सन। हमारी लाइफ में जो स्पेशल पर्सन है उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना होगा। यूज द नोट्स बिलो टू राइट अ सीरीज ऑफ पैराग्राफ अबाउट अ स्पेशल पर्सन। हमें नीचे जो नोट्स दी गई है उससे सीरीज यानी एक के बाद एक सेंटेंस बना के पैराग्राफ राइट करना है। ट्राई टू थिंक ऑफ गुड टॉपिक सेंटेंस फॉर ईच पैराग्राफ। हर एक पैराग्राफ में गुड टॉपिक से हमें सेंटेंस लिखने होंगे, राइट। सो हियर फर्स्ट वन इज माय नोट्स। सो इन माय नोट्स माय ग्रैंडफादर यानी कि मेरे दादाजी, हमें अपने दादा के बारे में लिखना है। वॉज बोर्न, उनका जन्म कब हुआ था। स्मॉल विलेज यानी कि वो छोटे से गांव में पैदा हुए थे। वर्क, क्या काम कर रहे थे। स्टडी, उन्होंने क्या पढ़ा था। ट्रैवल, इंजीनियर, पायलट, फार्मर। यस, आफ्टर दैट हैड 4 चिल्ड्रन, उनके 4 संतान थे। 6 ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि उनके जो बच्चे होते हैं उनके बच्चे यानी कि पोता या पोती। रिटायर, उनका काम करने का समय खत्म हो गया, उसे रिटायर बोलते हैं। जॉब से छुट्टी मिल जाती है उन लोगों को। रीड, उन्हें रीडिंग का शौक था या नहीं उसके बारे में हमें लिखना होगा। लिसन्स टू म्यूजिक, क्या वो म्यूजिक सुनते थे। फनी, वो बहुत ही मजाक किस्म के आदमी थे। काइंड, वे बहुत दयालु थे। लाइक्स वॉकिंग एंड वॉचिंग फिल्म्स, उन्हें चलना और मूवी देखना पसंद था। आफ्टर दैट पैराग्राफ प्लान अर्ली लाइफ, उन दादाजी की पहले की लाइफ यानी कि जब वो यंग थे तभी। फैमिली, फैमिली बैकग्राउंड लिखना होगा। पर्सनालिटी लिखनी होगी। वर्क, उन्होंने क्या काम किया। ओल्ड एज एंड हॉबीज, राइट। सो हियर अवर इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक अ स्पेशल पर्सन इज कंप्लीट। सो नाउ वी विल कंटिन्यू विथ अवर चैप्टर पैराग्राफ राइटिंग, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक नेम राइट करना है। उसके बाद माय ग्रैंडफादर इज मोस्ट स्पेशल पर्सन इन माय लाइफ, मेरे ग्रैंडफादर मेरे स्पेशल पर्सन है। ही वॉज बोर्न इन अ स्मॉल विलेज बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था उसके पहले ही उनका जन्म एक छोटे से विलेज में हुआ था। हिज फादर वॉज अ पुअर फार्मर, दादाजी के फादर, यस यानी कि बड़े दादाजी, वो एक गरीब खेडू थे, किसान थे। बट ग्रैंडपा स्टडीड हार्ड एंड बिकम अ पायलट, लेकिन जो दादाजी थे वो कठिन परिश्रम करके पढ़ रहे थे और उनको क्या बनना था, पायलट। ही लेफ्ट हिज विलेज एंड वेंट टू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया और दिल्ली चले गए जिसे कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं। ही फॉट इन द इंडो पाक वॉर्स ऑफ 1965 एंड 1971। वे देश के लिए 1965 एंड 1961 में जो युद्ध हुए थे इंडो पाक के, उसमें लड़े थे। तो आप सबको पता चल गया होगा कि पायलट किसके लिए बने थे, वो ये वर्ल्ड वार में जो काम आते हैं उनके लिए, नहीं कि जो प्लेन उड़ाते हैं और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे उनके लिए वो पायलट नहीं बने थे। When he was 25 years old, he married my grandmother. जब वे 25 साल के थे तब उन्होंने दादी जी से शादी कर ली। They had 2 boys and 2 girls. फिर उन्हें 2 लड़के और 2 लड़कियां,
लड़की यानी एक हमारे पापा और एक हमारे अंकल, राइट। और जो टू गर्ल्स लिखा है वो दोनों हमारी बुआ है, राइट। माई ग्रैंडफादर सेंट ऑल हिज चिल्ड्रन टू गुड स्कूल्स एंड ऑल फोर ग्रू अप टू बी डॉक्टर इन द आर्मी। मेरे दादाजी ने सारे बच्चों को अच्छी तरह स्कूल में पढ़ाया और वे चारों बड़े होके आर्मी में डॉक्टर्स बने, राइट। ड्यूरिंग अ वॉर, युद्ध के दौरान, व्हेन ग्रैंडपा वॉज फाइटिंग विद द एनिमीज ही वॉज वेरी बैडली इंजर्ड। जब युद्ध के दौरान दादाजी इनेमीज यानी कि दुश्मनों के साथ लड़ रहे थे तब वो बहुत ही इंजर्ड हुए, यानी कि वो बहुत ही सीरियस हो गए, उन्हें बहुत ही चोट लगी हुई थी। आफ्टर दैट उसके बाद ही रिटायर, उन्होंने जॉब से छुट्टी ले ली। यहाँ रिटायर का मतलब होता है कि उनके जो ईयर होते हैं काम करने के वो खत्म हो जाते हैं, तो वो रिटायर हो जाते हैं। एंड सेटल डाउन एट हिज होम, और घर पे सेटल हो गए। बट इट डिड नॉट स्टॉप वर्किंग कम्प्लीटली। रिटायर होने के बाद भी उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। ही स्टिल डज सोशल सर्विस हेल्पिंग द पुअर पीपल। फिर भी वे गरीब लोगों की मदद करने के लिए समाज सेवा कर रहे थे। ग्रैंडपा लव्स क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस। ग्रैंडपा को यानी कि हमारे दादाजी को क्लासिकल म्यूजिक और क्लासिकल डांस बहुत ही अच्छा लगता था। उनको उसमें बहुत ही दिलचस्पी थी, यानी कि बहुत ही इंटरेस्ट था। ही हैज अ हॉबी ऑफ कलेक्टिंग फोटोग्राफ्स ऑफ फेमस मैन इन द आर्मी। जो आर्मी में फेमस पीपल थे, फेमस लोग थे, उन सारे लोगों के नेम जानकर उनकी फोटोग्राफ्स इकट्ठा करना उनका शौक था, उनकी हॉबी थी। हमारी हॉबी क्या है अभी हम पढ़ रहे हैं तो? ये कुछ अच्छा आदमी बनना, राइट। लॉकडाउन के दौरान इनमें से बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी एक्टिविटीज की होगी, राइट। बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग लीव्स यानी कि अलग अलग पेड़ के पत्ते इकट्ठा करके उसकी बुक्स भी बनाई है। बहुत सारे लोगों को ऐसी हॉबी होती है पुराने सिक्के और पुरानी नोट्स को कलेक्ट करके उनको अपने पास रख देते हैं, राइट। सो ग्रैंडपा को आर्मी मैन के फोटोग्राफ्स कलेक्ट करने की हॉबी थी। एवरी इवनिंग ही टेक्स मी फॉर अ वॉक इन द गार्डन। हर रोज शाम को मेरे दादाजी मुझे गार्डन में वॉकिंग करने लेके जाते थे। एंड टेल्स मी लवली स्टोरीज, और मुझे बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते थे। आई लव माई ग्रैंडफादर वेरी मच, मुझे मेरे ग्रैंडफादर्स बहुत अच्छे लगते हैं और मैं उन्हें बहुत ही प्यार करता हूँ। हियर आवर टॉपिक स्पेशल पर्सन हैड कंप्लीटेड। नोट डाउन द एडिशनल इंफॉर्मेशन, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताती हूँ। व्हेन राइटिंग अबाउट सम पर्सन इट इज बेटर टू बिगिन विद देयर बर्थ, स्कूल, एजुकेशन, मैरिज एक्सेट्रा इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। जब हम कोई पर्सन के बारे में बात करते हैं तब पहले उनका बर्थ, उसके बाद स्कूल, उनके बाद आगे उन्होंने क्या स्टडी की वे लिखना है, फिर उनके मैरिज के बारे में लिखना है, राइट। ऐसे प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ओके। इन द एंड मेंशन अबाउट द हॉबीज लाइक्स एंड डिसलाइक्स, और जो लास्ट पैराग्राफ हमारा होगा उसमें उनकी हॉबी लिखनी है, उन वे क्या क्या पसंद करते हैं और उन्हें क्या क्या पसंद नहीं है उनके बारे में हमें लिखना होगा, राइट। सो हियर दादाजी की हॉबी कलेक्टिंग फोटोग्राफ ऑफ फेमस मैन इन द आर्मी, उन्हें क्या पसंद था, सोचो। यस, क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस, और वो हर रोज क्या करते थे, मुझे गार्डन में लेके जाते थे, राइट। सो हियर
पर्सनल राइटिंग अ स्पेशल पर्सन है कंप्लीटेड। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।